हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो मैं कहती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दी आप हिना को वॉश करते हुए और बालों में शैम्पू करते हुए एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। दोस्तों, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमेशा मैं मेहंदी को ऐसे वॉश नहीं करती हूँ जैसे आप मुझे इस वक्त देख रहे हो कि मैंने वॉश किया है। टब में मैंने काफी सारा पानी भरा हुआ है और इस तरीके से वॉश कर रही हूँ। ये एक्चुअली एक चैलेंज भी था मेरे लिए, चैलेंजिंग वीडियो थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसे चैलेंज के तौर पर ही दिया। हमेशा मैं ऐसे वॉश नहीं करती हूँ, मैं नल के नीचे कर वॉश करती हूँ मेहंदी को, और हमेशा मैं ऐसे वॉश नहीं करती हूँ। ये एक चैलेंजिंग वीडियो थी, तो मैंने इसे सिर्फ चैलेंज के तौर पर ही लिया है। तो आप इसे एक चैलेंज के तौर पर ही इंजॉय कीजिएगा और बैड कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। और मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टब लिया है और इसमें मैंने पानी को अच्छे से ऊपर तक भर लिया है। ज्यादा ऊपर तक मैंने इसलिए नहीं भरा है, तो मेहंदी का ही पानी भरना मेरे नाक पे चला जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा ऊपर तक नहीं भरा। जितना मैं अच्छे से डिप कर सकती थी उतना मैंने कोशिश की है इसमें डिप करने की अच्छे से। तो पहले मैं हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस तरीके से मेहंदी को निकाल लूंगी। और फिर आपने बोला था कि मैं अपने हैंड को पीछे कर भी इसमें डिप करूं, तो वो भी मैंने किया है, आप देख ही सकते हो। और ज्यादा इससे मैं अगर पीछे करती तो मैं टब के अंदर होती, तो इसलिए मैंने ज्यादा पीछे नहीं किए हैं, बाकी मैंने कोशिश की है अच्छे से। और आप देख ही सकते हो कि मैंने मेहंदी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं पानी चेंज करूंगी और उसके बाद मैं शैम्पू अप्लाई कर लूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने अपनी मेहंदी को वॉश कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने मेहंदी को निकाल लिया है। अब मैं शैम्पू कर रही हूँ। और हाँ, मैं शैम्पू यहाँ पर साथ के साथ इसलिए कर रही हूँ, आप बोलेंगे कि आप तो अपनी वीडियो पे बोलते हो कि नेक्स्ट डे शैम्पू करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हमें अपने बालों में कलर चाहिए हिना का तो हमें नेक्स्ट डे शैम्पू करना चाहिए। और अगर हमें कलर नहीं चाहिए, सिर्फ एज अ कंडीशनर आप यूज कर रहे हो मेहंदी को, तो आप सेम डे शैम्पू कर सकते हो उसी टाइम। तो मैं अभी बालों में आप देख सकते हो शैम्पू कर रही हूँ। मेहंदी को मैंने अच्छे से निकाल लिया है, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। बिल्कुल भी मेहंदी के पार्टिकल्स आपके बालों में नहीं रहने चाहिए, तभी आप शैम्पू अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर मैं शैम्पू कर रही हूँ, मैं यहाँ पर डव शैम्पू यूज कर रही हूँ। और मैं काफी टाइम से वैसे भी डव शैम्पू ही यूज करती आ रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता हो। तो देखिए दोस्तों कि मैंने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लिया है, मैंने बालों को वॉश भी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो बस मैं अभी अपने बालों को सुखा लूंगी और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ थोड़ी देर। सो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, ये देखिए, और मैंने शैम्पू भी कर लिया है बालों में।
ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है बालों में, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कि मेरे बालों में कितना अच्छा रिजल्ट आया है हिना अप्लाई करने के बाद। जब भी मैं हिना को अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरे बालों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। आप बालों में चमक लाने के लिए भी हिना को अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा कंडीशनर भी बहुत अच्छा काम करता है, तो इसीलिए आपको बालों में अगर मेहंदी लगानी है तो आप महीने में एक बार भी अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।